बारिश के सीजन में पकोड़े तो आप सभी बनाते हैं, पर ऐसे धमाकेदार चटपटे पकोड़े आपने कभी नहीं बनाए होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं आलू चटपटे पकोड़े। यदि आप स्पाइसी लवर है ना, तो आपको पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चटनी बनाते हैं, और चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है लाल मिर्च, और इन लाल मिर्च को अच्छे से भिगो दिया है 10-15 मिनट के लिए। तो पानी में हमने इन्हें सोक करना है अच्छे से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है 8-10 लहसुन की कली। तो 8-10 लहसुन की कली मैंने यहाँ पे ली है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम चटनी, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें लहसुन। तो लहसुन को हमने ना थोड़ा हल्का सा फ्राई करना है। लहसुन फ्राई हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। 2-3 सेकंड तक हमें मसाले को सेकना है। तो मसाले रेडी हो चुके हैं। जार में इन मसालों को ऐड कर दूंगी। उसके बाद जो हमने मिर्ची को सोक किया था, साबुत लाल मिर्च को, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगा काला नमक। तो चटनी बना रहे हैं तो काला नमक तो बनता ही है, उसके बाद सादा नमक। और इसमें जाएगा 2 चम्मच जो मिर्ची वाला पानी होता है, वही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी रेडी है, लेकिन टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच शक्कर या चीनी। तो 1/2 चम्मच चीनी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, और हम इसे एक बार और हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी रेडी है, मैं इसे कटोरी में निकाल लूंगी। बहुत धमाकेदार चटपटी चटनी बनी है, बहुत अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम बना लेते हैं बैटर। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, ये जो है बारीक बेसन है, और पकौड़े जो है बारीक बेसन के ही अच्छे बनते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ लिए हींग। हींग है, आप कभी भी जैसे बेसन की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं ना, तो हींग और अजवाइन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हींग और अजवाइन। उसके बाद लाल मिर्च, काला नमक, सादा नमक और बेकिंग सोडा। तो चलिए बैटर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1 कप बेसन, 1 पिंच ऑफ हींग, अजवाइन, लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। हम चटपटे पकोड़े बना रहे हैं तो लाल मिर्च ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे काला नमक, सादा नमक भी ऐड कर देंगे इसमें, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर को हमें थिक पेस्ट बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें, और याद रहे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, मेक श्योर कि इसमें लम्स ना हो। तो अच्छे से इसे फेंटना है सबसे पहले, और थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना है। तो मैंने थोड़ा पानी ऐड करके इसे फेंट लिया है, अब मैं थोड़ा और ऐड करूंगी। तो थोड़ा और ऐड करके इसे अच्छा फेंटना है, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, मिक्स कर देंगे इसे अब। और इसकी थिकनेस हमें इतनी ही रखनी है, पकौड़े के लिए यही थिकनेस रखी जाती है, इससे पतला हम नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने थिक स्लाइस किए हैं, ज़्यादा पतले ना रखें, थिक स्लाइस अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स खाने में। तो यहाँ पे मैंने आलू के स्लाइस कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है, जो हमारा मेन काम है। आलू की स्लाइस लेनी है, उसमें चटनी लगानी है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं चटनी को, और ऊपर से उसकी दूसरी स्लाइस रख देनी। तो बन गया ना हमारा चटपटा आलू का सैंडविच। तो ठीक है, अभी तो हम बना रहे हैं पकौड़े। तो इसी तरह धमाकेदार चटनी के साथ सारे आलू की स्लाइस हम तैयार कर लेंगे। फटाफट से स्लाइस लेनी है, आलू में डिप करनी है, अच्छे से कोट कर लेना है, और कोट करने के बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम होने रख दिया है। हम पकौड़े एक के बाद एक डालते जाएंगे। पकौड़ों को सुनहरे होने तक हमें फ्राई करना है, मीडियम से हाई फ्लेम, और हाई से मीडियम फ्लेम ही रखना है, लो नहीं रखेंगे।
बहुत शानदार लगते हैं। ये पकौड़े बहुत इजी रेसिपी है, ठीक है। तो आप ये सुबह बनाइए या फिर शाम की चाय के साथ बनाइए, जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी है। इवन आई एम ए स्पाइसी लवर, तो मुझे तो बहुत पसंद है। अब हम इन पकौड़ों को सर्व करेंगे, तो सर्व करने के लिए मैं यहाँ इन्हें टोमेटो सॉस के साथ सर्व करूँगी। तो पकौड़े हम सर्व कर देते हैं। देखिए कितने शानदार पकौड़े बने हैं, एकदम फूले फूले पकौड़े बने हैं ना, बहुत शानदार। तो ये रेसिपी बहुत ईजी है, आप जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शानदार शानदार रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।